मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रार कम होती नजर नहीं आ रही है। कैबिनेट मंत्री उमंग सिंगार के विवाद के बाद अब दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक बार फिर से कांग्रेस का वादा याद दिलाया है। उन्होंने शिक्षक दिवस के बहाने कमलनाथ से चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की नसीहत दे दी है। दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं, अतिथि शिक्षक व अतिथि विद्वान शिक्षकों को कांग्रेस वचन पत्र में किए गए वादों को हमें पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस वचन पत्र में किया गया अपना हर वादा पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले दिए गए वचन पत्र में प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था। कांग्रेस ने कहा था कि सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाएगा। पूर्व में कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुरुजियों की भांति अतिथि शिक्षकों को भी नियमित करने की घोषणा की गई थी, जिसकी गारंटी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ली थी और कहा था कि 90 दिनों के भीतर अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाएगा। कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता में आए 8 महीने हो गए हैं, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इस फैसले से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अवैध रेत खनन के मसले पर प्रदेश की अपनी ही सरकार पर हमला बोला था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरा और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही थी। सिंधिया और दिग्विजय सिंह के इन बयानों को लेकर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई है और कमलनाथ सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बता दें कि 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन आया है। वहीं अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये सब फूट पार्टी में दिखाई दे रही है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का रुख क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। SPN9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।